वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। अभी आप देख रहे हैं हमारे पास ये कि भारत का सबसे खूबसूरत सांपों में से एक है, यह है माउंटेन ट्रिंकेट स्नेक। और ये ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों वेरों पे रहना पसंद करते हैं, और जिस जिन घरों के आसपास पेड़ होते हैं ये उन घरों में भी चले जाते हैं। ये ज़्यादातर घरों में चूहों और छिपकलियों की तलाश में चले जाते हैं घरों में। और इसका रेस्क्यू जो हमने किया वो एक घर से ही किया। ये घर की जो छत होती है, घर के छत के ऊपर ये एक चूहे को खा के बैठा हुआ था और लोगों की नज़र उसके ऊपर पड़ी। तो इसका रेस्क्यू का वीडियो मैंने पहले अपलोड किया है, आपको मैं छोटा सा क्लिप दिखाता हूँ कि हमने इसे कहाँ से और कैसे रेस्क्यू किया। इसका थोड़ा पीछे रिकॉर्ड दो ना। हाँ हाँ बोल ठीक है। बढ़िया रे बढ़िया ये बढ़िया तो लगते हैं। मराठी इथून तस्कर साप उठ आहे, तस्कर, आणि एक इंग्लिशीन उठ आहे माउंटेन ट्रिंकेट स्नेक। सोका सोका बहुत ही खतरनाक रेस्क्यू। दोस्तों आपने देखा कि हमने इसका रेस्क्यू किस तरह से किया। बहुत ही मुश्किल हालात, बहुत ही विकट परिस्थिति थी वहाँ। इसका रेस्क्यू करना बहुत मुश्किल था। इसकी आप खूबसूरती देख सकते हैं, एक कम्प्लीटली नॉन वेनमस स्नेक होता है, लेकिन भारत के सबसे खूबसूरत सांपों में से एक। और इसका जो ये कलर है, इसका ये कलर देख के लोग इसे विषैला समझते हैं। और इसका आप देख सकते हैं सर के पास से ये ब्लैक लाइन है, आँखों के पास दो ब्लैक लाइन है आँखों के नीचे, और आधे शरीर के बाद ये पूरा फुल ब्राउन हो गया है। ऊपर ब्राउन, ब्लैक लाइन, और नीचे से कॉपर ब्राउन। तो इसमें और कॉमन क्रेट में बहुत फ़र्क है। कॉमन क्रेट इंडिया का सबसे हाईली वेनमस स्नेक होता है, और ये नॉन वेनमस स्नेक। और ये रेयर प्रजाति में ही ये स्नेक आता है, क्योंकि ये जल्दी दिखते नहीं, जल्दी मिलते नहीं। ये जंगली इलाकों में ही रहना पसंद करते हैं, और जंगली इलाकों के घरों में अक्सर वो घुस जाते हैं गिलहरी, चूहा, छिपकली ऐसे चीज़ों को खाने के लिए। तो इसे बहुत लोग वन सुंदरी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये बहुत सुंदर सांप होता है, वन में रहता है, इसके लिए इसे वन सुंदरी भी बोला जाता है। ये बहुत शांत स्वभाव का सांप होता है, लेकिन इसकी एक अलग और रूप है, इसका और एक अलग रूप है। ये शांत है लेकिन इसका एक अलग रूप है गुस्सा वाला। वो गुस्सा वाला रूप क्या है अभी मैं आपको दिखाता हूँ, आप भी देख के हैरान हो जाएंगे कि ये ऐसा कैसे हो गया। अभी देखिए, ये देखिए, ये है इसका गुस्सा वाला रूप। मतलब जब इसे खतरा महसूस होता है तो यह अपने मुंह को एस की शेप में बनाता है और बहुत बड़ा मुंह खोल के डराता है। तो आपने देखा अभी इसका गुस्सा वाला रूप, और फिर देखिए ये शांत हो गया। मतलब जब तक खतरा महसूस नहीं होगा ये बहुत शांत रहेगा। और अक्सर लोग इसे बोलते हैं सर पे काटने वाला सांप। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये पेड़ों पे रहते हैं, और पेड़ के ऊपर जब रहते हैं और नीचे से कुछ जब गुजरता है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया, ये देखिए पेड़ के ऊपर है समझ लीजिए, और नीचे से कुछ गुजरा, जब नीचे से कुछ गुजरता है तो उसे खतरा महसूस होता है और सर पे उसका काटने की कोशिश करता है। हालांकि इसके काटने से कोई नुकसान नहीं है,
आप देख सकते हैं, बिल्कुल ही प्यारा सुंदर सा सांप होता है ये। ये देखिए ये हमारे कैमरे के ऊपर ही चढ़ रहा है। तो ऐसे सांप बहुत कम ही देखने के लिए मिलते हैं। अगर किसी को ऐसे सांप दिख जाए तो प्लीज उसका संरक्षण करें, उसे बचाए, क्योंकि प्रकृति में इनका रहना बहुत ज़रूरी है। जो नियम है प्रकृति का, एक चेन है, एक सर्कल है जो इन जीवों से है। ये जीव चूहों को खाते हैं, चूहे अनाज को खाते हैं, बाद में कुछ दूसरे शिकारी पक्षी है जैसे सेरपेंटिगल है या दूसरे भी शिकारी जीव है जो सांपों को खाते हैं। तो ये एक चेन है और प्रकृति के बैलेंस को, संतुलन को बनाए रखने में एक दूसरे का रोल निभाते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि जब तक हमारी धरती पे जंगली जीव है, पेड़ है, तभी तक हमारी धरती भी बची है और हम इंसान भी बचे हैं। जिस दिन धरती से ये जंगली जीव और पेड़ ख़त्म हो जाएंगे, उस दिन ये धरती भी ख़त्म हो जाएगी। तो इंसान को अपने आप को और अपनी इस धरती माँ को, अपनी इस पृथ्वी ग्रह को बचाना है तो पेड़ और जंगली जीवों को ज़रूर बचाएं। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारा काम अच्छा लग रहा होगा और आप हमें ज़रूर सपोर्ट करेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकॉन घंटे के निशान को दबा दें ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। और हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, कमेंट में जरूर बताएं आपको हमारा काम कैसा लग रहा है। शेयर करना ना भूलें, क्योंकि जितना आप शेयर करेंगे उतना हमारा ये मैसेज जीवों को बचाने का, पेड़ों को बचाने का सभी लोगों तक पहुंचेंगे और सभी लोग जो उसका एक रोल है इनको बचाने में अपना रोल निभाएंगे। तो चलिए इसे हम रिलीज़ कर देते हैं। रिलीज़ करने से पहले एक बार और इसका जो सुपर एक्शन है वो हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए जो इसका सुपर एक्शन, ये आपको दिखाते हैं। इसके मुंह के अंदर भी देखिए काला दिखेगा, सेम ब्लैक माम्बा के जैसा, लेकिन ये ब्लैक माम्बा नहीं है, ये हमारे इंडिया का सबसे खूबसूरत सांप है। देखिए तुरंत शांत हो गया। और ट्रिंकेट स्नेक में एक बार और बता दूं, हालांकि इसने मुझे काटने की कोशिश की, इसे बार बार हमने चिढ़ाया इसके लिए। ट्रिंकेट स्नेक के बारे में और एक बार बात बता दूँ कि भारत में ट्रिंकेट स्नेक की 3-4 प्रजातियां पाई जाती है, जिनमें ये माउंटेन ट्रिंकेट स्नेक है, एक कॉपर हेड ट्रिंकेट स्नेक होता है, एक कॉमन ट्रिंकेट स्नेक होता है और भी एक दो ट्रिंकेट स्नेक पाए जाते हैं। तो चलिए आपको हमने अभी इसके बारे में बहुत जानकारियां दी, तो अब इसे हम यहाँ इसके प्राकृतिक परिवेश में रिलीज करते हैं और देखते हैं ये कैसे जाता है। ये देखिए इतना खूबसूरत सुंदर प्यारा सा सांप, वन सुंदरी कहे, ट्रिंकेट स्नेक कहे, मराठी में इसे तस्कर भी बोलते हैं। तो चलिए इसे जाने देते हैं और इसी उम्मीद के साथ कि अपना प्यार और आशीर्वाद आप हमारे ऊपर ऐसे बनाए रखेंगे। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।